कपिल श्रीवास्तव, यूपी, यूपी काफी अहम राज्य है 2024 की सियासी जंग को लेकर। अखिलेश का फोकस प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा की तरफ है, 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ है अभी, या फिर यूपी में ही वो सेटल लेना चाहते हैं कि अभी हमें योगी जी से लड़ना है, मोदी जी से बाद में लड़ेंगे। चेहरे को लेकर अखिलेश यादव की क्या महत्वाकांक्षा है, यह भी तो पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाह रहा है ना। प्रधानमंत्री बनने को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी महत्वाकांक्षा पर आधारित तो नहीं, संघर्षों पर आधारित है, मुद्दों पर आधारित है और इस देश को की जो बचाने की लड़ाई है उस पर आधारित। समाजवादी पार्टी व्यक्तिवाद पर बल नहीं देती है। जब केंद्र की चुनाव होंगे तो उसमें समस्त विपक्षी दल सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद जितने सांसद जीत करके आएंगे वो तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन, और वो अगर कोई प्रधानमंत्री किसी एक विशेष दल का तय करते हैं सभी मान्य करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए तो कोई चेहरा नहीं, क्योंकि समूहवाद पर विपक्ष ध्यान दे रहा है, व्यक्तिवाद पर नहीं दे रहा। और यही भारतीय जनता पार्टी इस समय व्यक्तिवाद पर ध्यान दे रही है, क्योंकि इनके पास मोदी के बाद कौन, तो प्रश्न है निगल बटा सन्नाटा, इनके पास सिर्फ एक ही नाम है। यहां तो सभी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लायक हैं कि इनसे बेहतर प्रधानमंत्री वो साबित हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग कहते हैं कि नहीं, समूहवाद में विश्वास कीजिए, देश के संविधान में बस विश्वास कीजिए। और देश का आईन क्या कहता है, यही कहता है कि जब हम जीत करके आएंगे जो सांसद चुनेगा जिसे अपना नेता वही प्रधानमंत्री बनेगा। और इसको आपने विभिन्न समयों पर देखा भी है कि जब वास्तव में कोई चेहरा सामने नहीं रहा है तो वो पार्टी के अंदर का जो व्यक्ति बना, मान लीजिए मनमोहन सिंह को कोई सोचा था क्या कि वो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी के रहते बन जाए, लेकिन मनमोहन साहब बने और उन्होंने देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, ये भी पूरा विश्व ने देखा। कपीश जी, लेकिन इस देश की सियासत ने ये भी देखा है, इस देश की सियासत ने ये भी देखा है, विपक्षियां एकजुट हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग कर सकता है, जो सबसे ज्यादा मौका परस्त है, ऐसे में कई उदाहरण गिना दूंगा कि आपके पास एक विधायक था, दो विधायक था और आप मुख्यमंत्री बन गए। कई ऐसे मौके बता दूंगा कि जहां पर संख्या बल कम था, जनादेश कम था, लेकिन ब्लैकमेलिंग की वजह से। तो यह भी तो हो सकता है कि सब लोग अभी मौका देख रहे हैं, नीतीश जी की मेरी सीटें कितनी आएंगी, ममता देख रहे हैं मेरी सीटें कितनी आएंगी, सीटें आएंगी तो हम दावा कर देंगे, नहीं आएंगी तो फिर हम पीछे रहेंगे। तो क्लैरिटी तो जनता के बीच होनी चाहिए ना रवि भाई, यही तो लोकतंत्र है। जनता के अंदर क्लैरिटी इस बात की है कि वो इस देश में व्यक्तिवाद को पसंद नहीं कर रहे, ना राजतंत्र को पसंद कर रहे। भाई, एक राजा ने जो कानून कह दिया वही कानून हो जा रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, जिस तरीके से संविधान के आर्टिकल 123 की धज्जियां उड़ाई गई है वो आपके सामने है कि भाई आप अध्यादेश कब लाते हैं, जब देश में कोई ऐसी आपात व्यवस्था आ जाए कि जिसके लिए आपको कानून लाना हो, सत्र ना चलना हो, तब आप अध्यादेश लाते हैं। लेकिन आप किसी एक विशेष सरकार की, जो जनमत की चुनी सरकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ इस बात को कह रही है कि क्या बोलते हैं, जो चुने हुए लोग हैं उन पर यह शक्ति होनी चाहिए कि वो किस तरीके से दिल्ली को चलाएंगे या किसी भी प्रदेश को चलाएंगे, तो यहां पर तो आप अगेंस्ट हो जाते हैं संविधान के और संवैधानिक पीठ के भी आदेश के उल्लंघना करते हैं। तो ये संविधान को जो मान ना रहा हो, देश के आईन को मान ना रहा हो, लोकतंत्र में राजदंड स्थापित कर रहा हो, तो इस बात को सोचिए देश कहां जा रहा है। अभी तमाम चल रहा था कि विश्व गुरु बन रहे हैं, अरे विश्व आपको पूछ रहा कि भाई हमसे 85 लाख करोड़ रुपए आपने लिए इन 9 वर्षों के अंदर, तो भारत को विश्व गुरु बना क्यों नहीं पाए। आप तो ट्रिपल इंजन भिलवा दे रहे हैं, देश की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हो जा रही है, आप एक साधारण सा कवच नहीं दे पा रहे हैं 85 लाख करोड़ रुपए लेकर के भी। ठीक है, आपके लेकिन, सामने लेकिन, है कि आखिर 85% इन्होंने कैसे सेफ्टी का पैसा भाई, मुद्दों पे हम कह रहे हैं, रोज चर्चा कर रहे हैं हम, चेहरे पे आज थोड़ा सा हमारा जो विषय है वो चेहरे पे ज्यादा है। जो मुलायम सिंह में कॉन्फिडेंस था, वो अखिलेश यादव में प्रधानमंत्री बनने को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? वही जो मेरा प्रश्न शुरू से था कि अभी स्टेट की पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, पहले योगी को पार पाना है फिर मोदी जी देखेंगे। पहली चीज तो ये कि कभी किसी की तुलना किसी से की ही नहीं जाती, और ये तो तुलना राजनीति में वक्त काल परिस्थिति और जनता कराती है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, ठीक है, जितने भी विपक्षी मौका, दल हैं मौका, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है, को मौका देख रहे हैं, समय जो है वो प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है, ठीक है, वो जनता जो तय करेगी, वो विपक्षी दल तय कर लेंगे, ठीक है। अभी लग रहा है विपक्ष मौका देख रहा है, वक्त की नजाकत के बाद फैसला होगा, क्योंकि वन वर्सेज ऑल हो रहा है।